मनोहर अर्जुन सुर्वे यानी मन्या सुर्वे का जन्म 1944 में रत्नागिरी के एक गांव में हुआ था। 1952 में मन्या के पिताजी अपने परिवार के साथ मुंबई रहने आए थे। लोअर परेल के एक घर में मन्या का पूरा बचपन निकला। मन्या में गुंडा बनने का कोई गुण नहीं था, वो एक सीधा साधा होशियार लड़का था। कीर्ति कॉलेज से उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, वो भी 78% मार्क लेकर। उन दिनों मनोहर जेम्स हेडली चेस के गुनेगारी उपन्यासों का दीवाना था, पर उसे ये नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद वो उससे भी ज्यादा शातिर कारनामों को अंजाम देने वाला है। किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। जुर्म की दुनिया के किस्से और गुनहगारों की कहानियों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मन्या सुर्वे की। मन्या का चचेरा भाई गुनहगारी जगत से जुड़ गया और उसने दांडेकर नाम के एक आदमी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मन्या के चचेरे भाई के साथ मन्या को भी पकड़ा। मन्या आखिर तक कहता रहा कि वो बेकसूर है, पर वो पूरी तरह से फंस चुका था, वो भी एक कत्ल के मामले में, और उसे सजा हुई। जेल की हवा ने सीधे साधे मनोहर को शातिर मन्या भाई में बदल लिया था। जेल से भागकर बाहर आने के बाद मन्या ने खुद का गिरोह बनाया। 5 अप्रैल 1980 मन्या की गैंग ने अपनी पहली डकैती की, जिसमें उन्होंने एक एम्बेसडर को चुराई। 15 अप्रैल को उन्होंने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। जुर्म की दुनिया में मन्या ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मन्या ने कई कारनामे किए, जिनमें कैनरा बैंक की डकैती भी शामिल थी। वो वक्त था जब दाऊद अपने पैर पसार रहा था, और इसी कारण बीते 20 सालों से मुंबई पर राज करने वाली पठान गैंग सत्ते में आ गई थी। शुरुआत में तो करीम लाला ने सामंजस्य की स्थिति बनाए रखी। शायद मन्या गुनहगारी जगत का फ्रीलांसर था, जिसे किसी बड़ा काम करना होता वो मन्या के पास आता। मन्या की खुद की एक अच्छी खासी गैंग थी, जिसमें शेख मुनीर, विष्णु पाटिल, उदय जैसे खतरनाक लोग शामिल थे। उस समय मुंबई पर दो गैंग्स का राज चल रहा था, दाऊद गिरोह और पठान गैंग। और पठान गैंग दाऊद गैंग को खत्म करने के लिए मन्या के पास गया, और मन्या ने दाऊद गैंग के सरगना सबीर को मारकर ये साबित कर दिया कि मुंबई जल्द ही एक लोता डॉन देखने वाली है। मन्या सुर्वे। 12 फरवरी 1981 रात के तकरीबन 11 बजे थे। साउथ मुंबई के एक वेश्यालय से दाऊद इब्राहिम का भाई सबीर चित्रा को अपनी प्रीमियर पद्मिनी में बिठा कर लेकर निकला। चित्रा और सबीर का इश्क काफी दिनों से चल रहा था, तो चित्रा की सहेली को पठान गैंग के अमीरजादा ने फांस रखा था। आज रात चित्रा और सबीर एक साथ बिताने वाले हैं, ये अमीरजादा को पहले से ही पता थी। वो मन्या सुर्वे के साथ एक शादी के लिए सजी एम्बेसडर में घात लगाकर बैठे थे। मन्या की गाड़ी सबीर का पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद सबीर का पेट्रोल खत्म हुआ, तो वो अपनी गाड़ी को प्रभा देवी के एक पंप पर ले गया। सबीर की गाड़ी के पास एम्बेसडर रुकी, और मन्या, अमीरजादा और बाकियों ने सबीर को गोलियों से भून लिया। दाऊद गिरोह के सरगना सबीर को मार दिया गया था। सबीर को मारने के बाद मन्या सीधे दाऊद के घर मुसाफिर खाना की तरफ गया। उन्होंने वहां पर घुसकर भी गोलियों की बारिश कर दी, पर वहां खालिद पहलवान था। खालिद पहलवान का किस्सा किसी और दिन सुनाएंगे, पर उस दिन खालिद पहलवान की वजह से दाऊद बचा। इस हत्या के बाद मुंबई पुलिस जैसे सकते में आ गई। इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट, इन दोनों ने मन्या का केस अपने हाथों में लिया। पुलिस ने पहले शेख मुनीर को पकड़ा, बाद में मन्या गैंग के कई लोगों को भी पकड़ा गया। 11 जून 1982 वडाला का अंबेडकर कॉलेज। पुलिस ने मन्या की प्रेमिका को चारा बनाया था, और आज मन्या अपनी इस प्रेमिका को मिलने वाला था। 1:30 बजे 18 क्राइम ब्रांच के अधिकारी पूरी तैयारी से बैठे थे। तकरीबन 1:45 बजे मन्या वहां पहुंचा। पुलिस को अपने पास पाते ही मन्या ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, पर उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही राजा तांबट और इसाक बागवान ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर सुर्वे की छाती पर 5 गोलियां दाग दी। मन्या को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कहा जाता है एम्बुलेंस में मन्या बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उसे समर्पण करने का मौका नहीं दिया। एक विशेष बात यह भी थी कि 15 मिनट का रास्ता काटने के लिए एम्बुलेंस को 30 मिनट से भी ज्यादा समय लग गया था। धीमी आवाज में कहा जाता है कि मन्या के एनकाउंटर के पीछे दाऊद का हाथ था।
क्योंकि दाऊद को सबसे ज्यादा डर था तो वो मान्या से ही था। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही बताएं आप किसके बारे में जानना चाहोगे।